हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे अरे, अरे का टाइप्स देख लिए थे। आज हमारा सिलेबस के अनुसार अगला टॉपिक है स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक का नाम? अब स्ट्रिंग होता क्या है? तो सबसे पहले आप जान जाओ स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का समूह होता है। जब कैरेक्टर आपस में मिल जाता है तब वो क्या कहलाता है? आपका स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग की वन डायमेंशनल अरे होता है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? कैरेक्टर, मतलब डिजिट डिजिट नहीं रहता, सिर्फ कैरेक्टर रहता है। और वन डायमेंशनल क्या होता है? अरे होता है। स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर जो है वो नल होता है। मतलब उसके आखिरी कैरेक्टर को कैसे शो किया जाता है? तो ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर क्या होता है? आपका नल होता है। अगर पूरा स्ट्रिंग लिखना हो तो उसे डबल कोटेशन में लिखा जाता है। डबल कोटेशन कहने का मतलब ये आपका इसके अंदर, जैसे मैं लिख दिया था, ठीक है, तो ये डबल कोटेशन लगा दूंगी तो ये क्या बन गया? आपका स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो अगर पूरा स्ट्रिंग आपको लिखना रहता है तो उसको डबल कोटेशन में लिखा जाता है। एक कैरेक्टर लिखना हो तो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। जैसे मैं लिख दिया आर, तो ये सिंगल, ठीक है, ये डबल कोटेशन हो गया और ये क्या हो गया? आपका सिंगल कोटेशन। तो सीधा सीधा अगर पूरा स्ट्रिंग लिखना हो तो उसे डबल कोटेशन में लिखेंगे, और अगर सिंगल कैरेक्टर लिखना हो तो उसे क्या करते हैं? हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। स्ट्रिंग का डेटा टाइप जो है हमेशा कैरेक्टर होगा। क्या होगा? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को कैसे लिखेंगे? सी एच ए आर। ये क्या है? आपका डेटा टाइप। किसका? तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होता है? आपका कैरेक्टर होता है। तो चार से पांच बात आपको याद रखना है स्ट्रिंग से रिलेटेड। सबसे पहले बताना है स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का क्या होता है? समूह होता है। स्ट्रिंग ये वन डायमेंशनल अरे होता है जिसमें सिर्फ क्या रहता है? आपका कैरेक्टर रहता है। स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर क्या होता है? नल होता है। ठीक है, स्ट्रिंग को अगर पूरा लिखना हो तो डबल कोटेशन लगाते हैं, अगर एक कैरेक्टर लिखना हो तो क्या लगाएंगे? सिंगल कोटेशन लगाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग का डेटा टाइप हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होता है? कैरेक्टर। ठीक, अब इसको हम प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल आप सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखना है तो सबसे पहले इसके फार्मूला को याद रखना। सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप लिखने के बाद हम लिखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग का नेम या स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? उसके बाद फिर हम लगाते हैं अरे। तो अरे में हम साइज दे दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल आप सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखना है तो डेटा टाइप आप क्या ले लो? कैरेक्टर। डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग का कैरेक्टर होता है। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखना है तो आपको नेम लिखना है, तो स्ट्रिंग को ऐसे लिखना है स्ट्रिंग वन। क्या लिख दिया हमने? स्ट्रिंग वन। ठीक है, उसके बाद अब क्या लगा दो आप? अरे साइज लिख दो। जैसे मैं लिख दिया सिक्स इज इक्वल, क्या कर रहे हैं हम? स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जैसे देखो सिंगल कैरेक्टर बोल रहा हूं तो मतलब सिंगल कोटेशन में, जैसे मैं हेलो प्रिंट करा दूंगा जी, ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे? लिख देंगे। और आखिरी कैरेक्टर क्या होगा आपका? तो आखिरी कैरेक्टर में बताया हूं क्या होता है आपका? नल। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज करते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं? सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे को मल्टी कैरेक्टर बनाएंगे। तो मल्टी कैरेक्टर बनाएंगे तो सेम आपका कैरेक्टर डेटा टाइप लिख दो, स्ट्रिंग टू, साइज लिख दो सिक्स। ठीक है, मल्टी कैरेक्टर मतलब आपका स्ट्रिंग ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हेलो, यहाँ पे क्या लगा देंगे? डबल कोटेशन, इसको क्या कर देंगे? ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग अरे, बिना अरे का यूज किए भी हम मल्टी कैरेक्टर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लिख दो कैरेक्टर स्ट्रिंग थ्री, यहाँ पे साइज मत दो, मतलब अरे का यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे साइज नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइज को क्या करते हैं? हम छोड़ दिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप क्या कर लेता है? साइज ले लेता है। ये आपका, ठीक है, इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये तीन प्रकार है, इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको स्ट्रिंग और अच्छे से क्या होता है सब। देखो
एक एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, तीनों प्रिंट कराएंगे, किसको किसको, सिंगल कैरेक्टर, मल्टी कैरेक्टर और विदाउट अरे, ठीक है, इसको मल्टी कैरेक्टर को इतना सारे को क्या करेंगे, एक प्रोग्राम में हम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल लेंगे, हेडर फाइल क्या रहेगा, है studio.h, ये हो गया, ठीक है। अब ये लेने के बाद हम लेते हैं मेन फंक्शन। तो हमारा मेन फंक्शन है इंटीजर मेन फंक्शन, फिर हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब जितना स्ट्रिंग लिए थे आप, उतना स्ट्रिंग को हम एग्जांपल में लिए थे ना, उसी स्ट्रिंग को क्या करेंगे हम, जस्ट जैसा लिए थे एग्जांपल में वैसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला कर लिए थे हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग वन, साइज कितना दिए थे 6, ठीक है, साइज कितना दिए थे हम 6 दिए थे, इज इक्वल टू करके लिख दो या छोटा लिखोगे तो आप छोटा भी लिख सकते हो, और फिर ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा सेमी कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन लग के उसके बाद सेकेंड को करेंगे, सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड जो है वो भी मल्टी कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग 2, साइज ले लिए 6 इज इक्वल टू क्या प्रिंट करा दिए, ये हो गया। थर्ड बिना अरे यूज किए, तो ये ले लिए हम लोग स्ट्रिंग थर्ड, अरे का यूज नहीं कर रहे हैं, और प्रिंट क्या करा रहे हैं, ठीक है। तीन क्या लेंगे, स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग 1, कैरेक्टर स्ट्रिंग 2, कैरेक्टर स्ट्रिंग 3। अब तीनों को क्या कराना है, आपको प्रिंट कराना है, कुछ नहीं, क्या कमांड दोगे आप, प्रिंट एफ, ठीक है, तीन बार आप करो प्रिंट एफ, फिर एक बार करो प्रिंट एफ, ये तीन बार हो गया। अब क्या क्या प्रिंट कराना है, तो लिखो यहां पे वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1, ठीक है, पहले का कराएंगे तो क्या लिखेंगे हम, यहां पे देखो टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, यहां पे उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, परसेंट एस, जहां डी लगाते थे वेरिएबल अगर इंटीजर लेते थे तो हम क्या लगाते थे, डी लगाते थे, लेकिन यहां पे क्या लगाएंगे, परसेंट एस, तो लगा दो परसेंट एस। न्यू लाइन के लिए क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, ठीक है, न्यू लाइन के लिए क्या लगेगा, एन, ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होगा, डबल कोटेशन जो है यहाँ पे क्लोज होगा, और प्रिंट किसको कराना है, तो स्ट्रिंग 1, फिर ये ब्रैकेट लगा क्लोज, सेम यहाँ भी वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 परसेंट एस स्लैश एन, उसके बाद क्या लिख दो आप स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ भी वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 3, ये क्या हो जाएगा, परसेंट एस स्लैश एन, उसके बाद स्ट्रिंग 3, ये हो गया। तीन बार क्या कर दी, प्रिंट कर दी। अब यहां देखो इंटीजर मेन फंक्शन क्या है, इंटीजर है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, रिटर्न 0, ठीक है, और ये ब्रैकेट करते हैं क्लोज कर। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग का क्या बनता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। तो आउटपुट कैसे इसका प्रिंट होगा, तो जब हम इसको रन कराएंगे, हम प्रोग्राम में देखेंगे, एग्जांपल में मैं आपको लेब में बताऊंगा कि कैसे रन कराना है। तो जब रन कराएंगे तो आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू हेलो, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू हेलो। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग का क्या बनता है, आपका प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग।